नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के सियासी हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार सतारा पहुंचे और पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया। यहां उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने ऐसा क्यों किया, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार की बगावत के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। अजीत का बीजेपी के साथ जाने का फैसला उनका अपना था। उन्होंने कहा कि एनसीपी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं होगी। अब जो कुछ भी साबित होगा वह विधानसभा में विश्वास मत के दौरान होगा। इस दौरान उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया जो पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सतारा के कराड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार से उनकी अब तक कोई बात नहीं हुई है। वहीं उनके इशारे पर अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर शरद पवार पहले तो मुस्कुराए, इसके बाद उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो कम से कम अपनी पार्टी के लोगों को तो मैं साथ में लेता। उन्होंने आगे कहा मैं शिवसेना के साथ इतना आगे जा चुका हूं तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। सरकार गठन में देरी को लेकर शरद पवार ने कहा कि हमें 5 साल के लिए राज चलाना है, कांग्रेस और हम साथ थे और शिवसेना अलग विचारधारा वाली थी, इसलिए हमें उसके साथ हर मुद्दे पर बात करनी थी, हर चीज को स्पष्ट करना था। शरद पवार ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी, वह दौर भी हमने देखा। तब वाजपेयी ने सबको साथ बिठाया, जो विवाद था उसे अलग रखा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तय करके सरकार बनाई। शरद पवार ने कहा कि अब जब तीन पक्ष साथ आए तो ऐसी कई बातें थी जिन पर शिवसेना की राय अलग थी, हमने उसे साइड में रखा और सरकार बनाने का तय किया। शरद पवार ने कहा कि कर्ज माफी करना कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन यह आगे होगा या नहीं इस पर चर्चा होती रहेगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।